गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे और आप लोग देखेंगे कि इसमें जो इतने सारे कंटेंट्स दिए जा रहे हैं वो सारे कंटेंट्स आपके काम के हैं। मैं वो चीज़ पढ़ाता ही नहीं जो एग्ज़ाम में आता ही नहीं, ठीक है। मैं जो वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप लोग इस लेसन को बहुत ही ध्यान से वॉच करेंगे, बहुत पेशेंसली। यदि आप चाहते हैं कि हमारा रेडियो एक्टिविटी से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, जो आपका एग्ज़ाम है KVSPRT, इसके इर्द गिर्द आपको इसके चारों तरफ ये रखेगा। आपको हो सकता है इससे आगे भी ले जा सकता है, हायर तक भी ले जा सकता है। तो मेरा कॉन्टेंट देखने के बाद आपको खुद मालूम हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। स्टार्ट हो जाइए आप लोग रेडियो एक्टिविटी। देखिए, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, जैसे कि नाम से आप लगता है सुनने से ये कोई रेडियो है जो है जो एक्टिव नहीं हो जाता है, ये कोई रेडियो नहीं है जो हम लोग सुनते। रेडियो एक्टिविटी जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि कोई न्यूक्लियस, जब कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है, टूटता है, तो उससे जो रेडिएशन जो निकलते हैं, ठीक है, मुख्यतः तीन प्रकार के रेडिएशन निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसी रेडिएशन को ही हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी में दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। देखिए, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात की जाए तो इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज हुई थी, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। यह बाय चांस हो गई थी खोज, ठीक है। इसकी खोज की थी हेनरी बैकवेल ने, ठीक है। हेनरी बैकवेल एक साइंटिस्ट थे और उनको फोटोग्राफी में काफ़ी शौक था, ठीक है ना, वो फोटोग्राफी करते थे। तो क्या हुआ कि एक बार उन्होंने फोटोग्राफी की और फोटोग्राफी करने के बाद जो है उस जो फिल्म को उन्होंने मतलब अंधेरे लैब में जाकर के उसे रखा। आप लोगों को जानकारी होगा कि मतलब 15 साल पहले जो फोटोग्राफी होती थी, ठीक है, उस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करने के लिए एक अंधेरा रूम होना चाहिए। यदि उसमें थोड़ा सा भी लाइट आ जाए तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। नेगेटिव का नाम सुने होंगे आप लोग। तो वैसा ही कुछ था। तो वहाँ पर उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करने के लिए जो अंधेरा रूम था वहाँ पर उसने उसको अपने रील को वहाँ पर रख दिया। और जब उनको डेवलप करने के लिए जब वो गए तो उन्होंने देखा कि हमारा रील पूरा का पूरा ख़राब हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने फिर फोटोग्राफी की और फिर वहीं पे जाकर के उसको रखा और फिर मन में आया कि चलो इसको डेवलप किया जाए, फिर वो ख़राब हो गया। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर एक बार फिर उन्होंने फोटोग्राफी स्टार्ट की और बहुत सारे फ़ोटो लिए और वहाँ से फिर उन्होंने मतलब रील निकाला और उसमें डाला, लेकिन डाल तो दिया, फिर देखा फिर ख़राब हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। अचानक मतलब उनका जो हाथ जो है गया उस ड्रॉल के अंदर, उन्होंने देखा एक प्रकार का एक छोटा सा पत्थर था। तो उन्हें लगा कि कोई पत्थर है, उस समय वो नहीं सोच पाए। उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को हटा करके अलग रख दिया। फिर उन्होंने जब फोटोग्राफी की तब उन्होंने जब देखा बाद में जब आ करके डेवलप करने गए तो उनको प्लेट बिल्कुल सही मिली, ख़राब नहीं हुआ। उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने बार बार इस चीज़ को रिपीटेटिव किया, इस एक्सपेरिमेंट को, और देखा कि अरे ये तो शायद ये पत्थर रखने के कारण से हमारा प्लेट ख़राब हो जाता है, पर इसमें से कोई रे तो निकल नहीं रही है, ठीक है ना। तो जब रे नहीं निकल रही तो फिर ये कैसे ऐसा हो रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि उसमें से रे निकल रहे थे, वो थी इनविजिबल रे। वो इनविजिबल रे जो थी वो थी अल्फा, बीटा और गामा। तो इस नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो थी बाई चांस डिस्कवरी हुई थी इसकी, बाई चांस डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकवेल। ये याद नाम याद रखिएगा, हेनरी बैकवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बाय चांस इसकी डिस्कवरी की थी। और वहाँ से जो 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 पत्थर उनको मिला था, स्टोन जो मिला था, ये पत्थर के बारे में पूछा जाता है वो कौन सा पत्थर था, ठीक ना। वो जो पत्थर था लोड पिच ब्लेंड था, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। मेरा एक एक
पॉइंट है जो सभी सारे क्वेश्चंस में छुपे हुए हैं। मैंने क्या किया है कि जितना क्वेश्चंस आया हुआ है अब तक रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, उस सबों को एक साथ हमने कॉन्सेप्ट में ढाल दिया है, कॉन्सेप्ट बना दिया, और उसको मैं समझाने के लिए किस तरह से मतलब मैं आपको बताऊँगा उसका मैंने एक क्रमबद्ध चैनल बनाया है, क्रम से बनाया है ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ पाए। इसलिए आप इस चैनल को ध्यान से देखेंगे, मैं धीरे धीरे वो सारी बातें बता दूंगा जो यहाँ पर आपको जानने चाहिए, इसलिए पेशेंस आप लोग रखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो डिस्कवर्ड किया गया था हेनरी बेकुरेल के द्वारा, वो जो पत्थर मिला था वह पिच ब्लेंड, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कौन सा पत्थर था, वह पिच ब्लेंड था। उसके बाद और भी डिस्कवरी हुई और यहाँ से मैं बताऊँ कि पिच ब्लेंड से जो निकलता था वो कौन सी रेडिएशन थी, अल्फा, इसको हम लोग अल्फा पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इस तरह से अल्फा होता है, इस तरह से बीटा, और ये इस तरह से ये हो गया गामा। हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछेंगे, पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चंस आते हैं। उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो पत्थर मिला स्टोन वह पिच ब्लेंड था। उसके बाद डिस्कवरी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट जब हुई तो बाद में पता चला कि सिर्फ एक पत्थर ही यही पत्थर ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है ना। तो इनको जो इनके बाद जो जो डिस्कवरी हुई उस डिस्कवरी को जो उन्होंने खोजा वह थे पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, ठीक है ना, पियरे क्यूरी एंड मैडम क्यूरी, ठीक है ना, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, ठीक है ना, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ये हस्बैंड वाइफ थे दोनों, ठीक है ना, और दोनों को इस क्षेत्र के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और कहा जाता है कि जो यो यो जो थी मैडम क्यूरी, इनको जो है ना फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इनको मिला, सबसे मतलब कि महिला के क्षेत्र में, वुमेन के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ पाने वाली महिला यही थी, ठीक है ना, मैडम क्यूरी। तो फर्स्ट वुमेन एनपी मतलब नोबेल प्राइज़ विनर, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे। और इनको जो है इस काम के लिए जो है पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को साथ साथ जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है ना, साथ साथ, ठीक है ना, साथ साथ नोबेल प्राइज़ मिला था। मैडम क्यूरी को इसके बाद भी फिर नोबेल प्राइज़ मिला, उनको दो नोबेल प्राइज़ मिला बाद में, ठीक है ना, इसके बाद जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला तो ये दो बार नोबेल प्राइज़ विनर है, एक तो पहला शुरू में मिल गया था, एक बार और मिला था। तो शुरू में इनको जो मिला था मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक ना, मैडम क्यूरी एम क्यूरी, इनको दो बार नोबेल प्राइज़ मिला था, टू टाइम्स। पहला जो नोबेल प्राइज़ मिला था उनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, और दूसरा जो नोबेल प्राइज मिला था वह केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। उसके बाद जो इस इनको इसी काम को देखते हुए तीनों को मिला करके, यानी कि ये जो थे बेकुरेल साहब और पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को, तीनों को सामूहिक रूप से उनको नोबेल प्राइज दिया गया। पहले आप यहाँ तक नोट कर लिए, फिर मैं इसको डिटेल से लिख दूंगा। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने इसको अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ आप लोगों को, कम से कम समय में मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और कुछ लोगों का ये शिकायत था कि सर आप बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाते, मैं बाइलिंगुअल भी पढ़ाऊँगा और बाइलिंगुअल लिख भी रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए कोई इशू नहीं है। चलिए हम समझाते हैं, आप लोग समझते रहिए। मैंने आपको पहले समझा दिया था, अब बोर्ड पे अच्छे तरीके से लिख दिया। देखिए रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैंने बताया था कि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ सम अनस्टेबल न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस का जो होता है मतलब डिसइंटीग्रेशन होना, उसका टूटना, विखंडन होना, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल रेडियो यानी प्राकृतिक जो होता है रेडियो एक्टिविटी, इसको रेडियो सक्रियता हिंदी में बोलते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, लिख लेंगे कहीं पे, हिंदी में रेडियो सक्रियता बोलते हैं, मैं बार बार रेडियो एक्टिविटी ही बोलूँगा, आप लोग हिंदी वाले रेडियो सक्रियता समझ लें। ये देखिए नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो कि ये खुद से होता है, और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जिसको हम लोग क्या करना पड़ता है, हम लोग को रेडियो एक्टिविटी के लिए उस एलिमेंट्स को हम लोग को बाई फोर्सली बनाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब होता है कि इस तरह से समझ सकते हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वैसा एलिमेंट होता है जो जन्म से ही बदमाश होता है, ठीक है, पैदा लिया और जन्म से ही खुराफात करना चालू कर दिया वो,
और उसमें से रेडिएशन निकलने लगे, इस तरह की बात हुई। कोई इंसान जैसे जन्म से ही कोई बदमाश होता है और कोई इंसान होता है बहुत सीधा साधा भोला भाला होता है, उसको मार पीट करके इतना ख़तरनाक बना दिया जाता है कि बाद में उग्रवादी बन जाए। तो उसी तरह का जो है हुआ रेडियो एक्टिविटी होता है, शुरू में होता है काफ़ी ही एकदम शांत होता है, लेकिन इसके साथ कुछ इस तरह से इतना बुरा व्यवहार होता है कि वह जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी शो करने लग जाता है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल से आगे बताऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ ले। मैंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको बताया था कि सबसे पहले जो काम करने वाले जो थे साइंटिस्ट थे, ये अचानक से डिस्कवरी हुई थी, मैंने आपको बता दिया ये डिस्कवरी जो हुई थी अचानक से हुई थी, और उसको करने वाले थे हेनरी बेकवेल, और जो पत्थर उनको मिला था उस पत्थर का नाम था पिचब्लेंड, जो पेपर में आता है, और हेनरी बेकवेल का भी नाम याद रखेंगे। यही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, उसमें से 3 इनविजिबल रे निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक होता है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसका बहुत ही तगड़ा ये है, इसमें से हर बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, अभी यहां तक आप लोग समझे। उसके बाद जो हेनरी बेकवेल ने तो ये बता दिया कि पिच ब्लेंड से अल्फा बीटा और गामा इस तरह से रे निकलती होंगी, कोई इनविजिबल रे निकलती होगी, लेकिन बाद में मैडम क्यूरी और पी क्यूरी ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ मतलब इस तरह से पिच ब्लेंड ऐसे ही पत्थर नहीं, और से बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि बिस्मथ के बाद, याद रखना है आप लोगों को, मैं लिख दूंगा इसके बाद, ठीक है ना, कि बिस्मथ के बाद जो है रेडियो एक्टिविटी का ट्रेंड शुरू हो गया। बिस्मथ जो होता है हैवी एटम्स होता है, धीरे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं और धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है और एटॉमिक वेट भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो एक खास लिमिट बताया गया कि 83 के बाद जो है बिस्मथ के बाद जो है वह जो है सब्सटेंस जो होते हैं हैवी एटम्स जो होते हैं वह क्या होते हैं कि वह रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा माना गया बिस्मथ के बाद। लेकिन कुछ सर्टेन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो बिस्मथ से पहले वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, मैं इसकी चर्चा डिटेल से करूंगा इसके बाद, इसलिए आप परेशान हो, सिर्फ यहाँ सुन ले कि ठीक है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी बाद में उन्होंने क्यूरी और मैडम क्यूरी ने बताया कि सिर्फ पिच ब्लेंड ही नहीं, इसके बाद भी मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, और इन्हीं के कारण से, इन्हीं के प्रयासों के कारण से तीनों वैज्ञानिकों को सामूहिक रूप से 1903 में नोबेल प्राइज दिया गया, हेनरी बेकवेल, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को। और बेकवेल का जो होता है ऐसा यूनिट होता है, पेपर में बहुत पूछा जाता है कि बताइए कि मतलब रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हम इसका जवाब देंगे बेकवेल। बहुत आदमी पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी भी मान लेते हैं, गलत बात है ना, वह मतलब नहीं है, वो अदर यूनिट्स में, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, देखिए समझने के लिए, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एसआई यूनिट ही पूछा जाता है पेपर में, एसआई यूनिट वह बेकवेल है, और अदर यूनिट जो लिया गया है वह क्यूरी और रदरफोर्ड है, इसको आप याद रखेंगे। और इसके बाद एक पॉइंट है जीएम काउंटर जिसका नाम है ग्रिगर मूलर काउंटर, यह एक प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कोई भी तत्व जो है कितना इंटेंसिटी, कितना भी रेडिएशन छोड़ रहा है, इसका पता लगाने के लिए जो है इसी काउंटर का, जीएम काउंटर का प्रयोग किया जाता है। यह भी पेपर में पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी के इंटेंसिटी को पता करने के लिए कौन सा डिवाइस, उस डिवाइस का नाम बताइए, तो वह डिवाइस है जीएम काउंटर, मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सॉरी, देखिए उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि मैडम क्यूरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। मैडम क्यूरी को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि मैडम क्यूरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैडम क्यूरी ने पूरा का पूरा अपना जीवन रेडियो एक्टिविटी बिता दिया, और शायद इसी के कारण, इसी रेडिएशन के कारण इनकी मौत भी हो गई थी, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना हम लोगों को। तो मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज विनर मिला था हस्बैंड के साथ, उनके हस्बैंड कौन थे, यही थे पियरे क्यूरी, उनके हस्बैंड थे, उनको मिला था, हस्बैंड वाइफ को मिला करके साथ में उनको मिला था ये नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 में मिला था, ठीक है, जिसमें हेनरी बेकवेल भी थे साथ में। और उसके बाद जो है मैडम क्यूरी ने जो बाद में जो काम किया 1911 में, ठीक है, याद रखिए 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में उनको खुद से इंडिपेंडेंट, उनका खुद का था, उसमें कोई इनका साथ नहीं था, अकेले ही इनको नोबेल प्राइज़ उनको मिला था 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को। तो याद रखना है कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। इसके बाद इंटरेस्टिंग है, इनके मतलब दामाद और इनकी बेटी को भी मिला था, मैं इसकी चर्चा आपको बाद में करूँगा, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था 1903 में और 1911 में, यह भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहली महिला जिनको मतलब नोबेल प्राइज़ विनर थी वह थी मैडम क्यूरी, और इनकी मौत के बारे में मैंने बता दिया, इनको रेडिएशन के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, और इनके हस्बैंड की मृत्यु जो हुई थी रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं फिर आपको बताता हूँ। तो आपको इन लोगों, ये सारी बातें आपको समझ में आई,
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, काउज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब तक तो हम लोग हमारी बकबक सुन रहे थे कि क्या होता है रेडियो एक्टिविटी। अब सुनिए कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, काउज कारण जानिए रेडियो एक्टिविटी होने का, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए कारण क्या है, सबसे पहला है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मान कम होने के कारण से, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है मैं बतलाता हूँ। देखिए बाइंडिंग एनर्जी की एक वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 MeV। ठीक है, इतना यह लिमिट होता है, इससे जो है ना इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है इतने से, तब क्या हो जाता है कि हमारा जो न्यूक्लियस जो होता है अनस्टेबल होता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को समझते हैं। देखिए बाइंडिंग एनर्जी को समझ सकते हैं इस तरह से, देखिए यह हमारा इस तरह से, इसके अंदर जो है हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन जो होता है वह न्यूट्रल होता है, ठीक, और ये प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है। हमको अभी इलेक्ट्रॉन से भी लेना देना है नहीं है, न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनमें क्या होता है, उनके अंदर जो होता है इंटर एटॉमिक रिपल्सन शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब इसके कारण से क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी का मान जो होता है हमारा, जो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, जो बाइंडिंग एनर्जी चाहिए मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के रखने वाला, वह जो एनर्जी जब तक उसको हम बांध करके रख सकते हैं तब तक हम उसको बांध कर रख सकते हैं, लेकिन जब वो एनर्जी हमारे पास नहीं रहता है तब क्या होता है कि यह हमारा न्यूक्लियस क्या होता है डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है। तो डिसइंटीग्रेट होने का मतलब देखिए क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी का मान जो होता है ग्रेटर देन 8 MeV, इससे जब ज़्यादा मतलब हो जाए, ठीक है, तो समझ जाइए कि हमारा जो है अब एटम जो है मेरे बस में नहीं है, अब वो डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक उसी तरह से इस प्रकार जो है एक ऐसा बच्चा, माँ बाप एक ऐसा बच्चा जब तक वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, जब इतना बदमाश हो गया, इतना शरारत हो गया, आपके हद से बाहर हो गया, तो आपको छोड़ छाड़ करके बाहर निकल जाता है, दुनियादारी कुछ उसको मतलब नहीं होता है। तो वही है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जब तक आप उसको है बांध कर रखना चाहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को और उसके अंदर जो रिपल्सन होता है उसको बांध कर रखना चाहते हैं आप, तब तक उसको बांध सकते हैं। एक ऐसा सीमा होता है कि आप उसको जब बांध नहीं सकते तो क्या होता है, यह डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है और हमारा रेडियो एक्टिविटी शो होने करने लग जाता है, उससे 3 इनविजिबल रे अल्फा बीटा और गामा निकलते हैं। पहला कारण ये है। दूसरा कारण यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि काउज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है तो तीनों काउज बताएंगे, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर साइज और एन बाई पी रेशियो, तीनों यदि आपको ऑप्शन में रहे तो तीनों के में आपको टिक मारना होगा ऑल ऑफ द अबव में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का मान कम होने के कारण से क्या हो जाता है हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। फिर देखिए दूसरा कारण है कि न्यूक्लियर साइज का वैल्यू जो होता है ये बड़ा होने का, न्यूक्लियर साइज जो होता है देखिए रेडियस जो होता है ग्रेटर देन 10^-15 मीटर फर्मी डिस्टेंस, इससे जब ज़्यादा हो जाए न्यूक्लियर साइज इसके बड़ा होने से भी क्या होता है रेडियो एक्टिविटी होता है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है एन बाई पी रेशियो का मान, देखिए एन बाई पी रेशियो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे जो है हम लोग पता लगाते हैं कि रेडियो एक्टिविटी कौन एलिमेंट होगा और कौन एलिमेंट नहीं होगा। तो देखिए एन बाई पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एन बाई पी रेशियो क्या कहता है कि देखिए कि एन बाई पी रेशियो का मान 1 होगा तो वह न्यूक्लियस जो होगा स्टेबल होगा और एन बाई पी का मान जब ग्रेटर देन 1 होगा या एन बाई पी का मान लेस देन 1 होगा तो अनस्टेबल होगा। तो एन बाई पी क्या है, कुछ नहीं है कि एन और पी, ठीक है, एन और पी, ये है एन फॉर न्यूक्लियस, पी फॉर प्रोटॉन। जैसे मान लीजिए कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की वैल्यू मान लीजिए कि आप ये 7 है और प्रोटॉन की वैल्यू मान लीजिए आप ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 6 है, ठीक है, अब आप बताइए कि क्या स्टेबल होगा या नहीं। तो एन बाई पी रेशियो आप देखिए चेक कीजिए एन बाई पी की वैल्यू तो क्या होगा, 7 और 6, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से तो ज़्यादा ही आएगी तो ग्रेटर देन वन तो 1 से जब ग्रेटर हो जाएगा देखिए तो एन वाई पी का मान ग्रेटर देन 1 होगा तो ऐसे सिचुएशन में वह जो होगा हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा। आपसे यह पूछा नहीं जाएगा पेपर में लेकिन आपसे यह कारण आपसे जरूर पूछा जाएगा कि क्यों अनस्टेबल होता है, तो हम बताएंगे एन वाई पी रेशियो, न्यूट्रॉन बाय प्रोटोन रेशियो। क्या होता है न्यूट्रॉन बाय प्रोटोन रेशियो अनस्टेबल होने का, तो हम बताएंगे कि एन वाई पी का मान जब 1 हो तो स्टेबल न्यूक्लियस होगा, उस वो बेचारा आराम से चुपचाप बैठा होगा, कुछ शरारत नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जब वैसे एलिमेंट्स जिसका एन वाई पी का रेशियो लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो
ऐसे सिचुएशन में वह एलिमेंट जो होता है रेडियो एक्टिविटी शो करने लग जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने तीनों कारण बताया। पहला कारण बताया बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया न्यूक्लियर साइज, और तीसरा बताया एन बाय पी रेशियो। इसको आप यदि ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन आपको नहीं स्केप करेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने आपको ये समझा दिया, आप इसको समझ में आए न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, और कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। फिर मैं आपको इसके आगे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वह बताने वाला हूँ अल्फा बीटा और गामा, ये तीन जो किरण निकलती है तीनों के क्या प्रॉपर्टी है। इसमें से बहुत ही धांसू धांसू क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं अल्फा बीटा और गामा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग एक जबरदस्त और जानदार टॉपिक पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, करैक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। ठीक है, जिसका आप लोगों को इंतजार था कि इससे पेपर तो जबरदस्त में क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें इसके बहुत सारे डिफरेंसेज है, उसको हम लोगों को समझना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बता दिया कि ओरिजिन की बात जो की जाए, ओरिजिन, ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा ओरिजिन कहाँ है, आप लोगों को पहले ही बताया था इसकी ओरिजिन न्यूक्लियस होती है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ओरिजिन न्यूक्लियस, 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 ये भी न्यूक्लियस, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में, बीटा पार्टिकल भी न्यूक्लियस में रहेगा, गामा पार्टिकल भी न्यूक्लियस में रहेगा। अब देखिए हम लोग इसके नेचर की बात करें, नेचर, इसका नेचर स्वभाव कैसा होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है पॉजिटिवली होता है, धनात्मक होता है, और बीटा पार्टिकल जो होता है ऋणात्मक होता है, निगेटिवली होता है, और गामा पार्टिकल जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं इस पार्टिकल के बारे में, कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, और कौन उदासीन होता है, आप लोग इसको यहाँ पर समझ लें। फिर स्ट्रक्चर की बात हुई, देखिए स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियस कंटेंट, जिसमें दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल है, कुछ नहीं है, ये हीलियम का ही, मतलब क्या है, एक स्वरूप है। ठीक है, हीलियम पार्टिकल का ही, बस ये ध्यान में रखना है, हीलियम पार्टिकल, एच ई, हीलियम, ठीक है, हीलियम पार्टिकल का होता है आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियस, जो कंटेन करता है दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, और यह बीटा जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। यही आपको मैं बताने वाला था कि बीटा पार्टिकल्स क्या है, यही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। गामा पार्टिकल जो है यह वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, बहुत तेज चलने वाले, यही है हमारी लाइट वेव्स है, गामा, गामा रेस। ठीक है ना, ये बहुत तेज से चलते हैं, ये स्पीड लाइट की वेलोसिटी से चलती है, इसलिए यह जो है गामा रे की स्पीड जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए मैंने इसको देखते हुए मैंने यहाँ पर आपको स्पीड को भी मैंने लिख ही दिया, मेंशन कर ही दिया कि आप लोगों को स्पीड में कन्फ्यूजन है। यदि तीनों में पूछा जाए कि स्पीड किसकी होती है, फास्ट, सबसे सबसे तेज कौन चलता था, सबसे तेज चलती है गामा रे, इसलिए नंबर एक स्थान दिया। नंबर दो पे चलती है बीटा रे, और नंबर थ्री सबसे स्लो में चलती है अल्फा रे। तो आपको ये स्पीड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि तीनों में स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, तो गामा रे, ठीक है, और सबसे कम किसकी होती है, तो अल्फा रे, अब बीच में कौन होता है, बीटा रे, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे थे। अब रेस्ट मास की बात हो तो रेस्ट मास में भी हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए रेस्ट मास से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका रेस्ट मास क्या होता है, यह हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, मैंने आपको पहले ही ऊपर समझाया था, यह हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, और इसका जो होता है रेस्ट मास 9.11 × 10⁻³⁻³ के, जो कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है, आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद जो है गामा रे के बारे में जो होता है, ये उसका होता है जीरो रेस्ट मास होता है, इसका मास जीरो माना गया है, इसका रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। तो आपको ये समझ में आया। अब बात रही पेनिट्रेटिंग पावर की, जबरदस्त पेनिट्रेटिंग पावर से क्वेश्चन आता है कि बताइए कि सब में सबसे ज़्यादा छेद करने की क्षमता के, कौन सबसे ज़्यादा जो छेद कर सकता है, ठीक है, घुस सकता है। ठीक है, देखिए तो सबसे नंबर वन पे जो है आपका ही है गामा रे। ठीक है, गामा रे जो है 31 सेंटीमीटर स्टील में भी छेद कर सकता है, इसीलिए आप लोग देखते होगा जहाँ एक्सरे मशीन होता है लगाया जाता है, या रेडियो एक्टिविटी, सॉरी क्या कहते हैं वहाँ जो इमेजिंग सेंटर होता है, इमेजिंग सेंटर में आप जाइएगा तो आपको बाहर लिखा रहता है कृपया यहाँ दूर रहें, यहाँ पे ना आए, क्योंकि वहाँ से अदृश्य किरणें निकलती है, वो अदृश्य किरणें जो है आपको छेद कर सकती है। ठीक है, आपको नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि जानते हैं कि आपको बताए 31 सेंटीमीटर तक जो है वो पेनिट्रेटिंग पावर रखता है, हो सकता है या आपको भी मतलब इसका आपको रेडियो एक्टिविटी का आपको आघात लग सकता है, इसलिए कहा जाता है कि आप उससे दूर रहें। उसके बाद देखिए नंबर दो पे है बीटा रे, और नंबर तीन पे है पेनिट्रेटिंग, नंबर थ्री पे है हमारा अल्फा रे।
तो पेनिट्रेटिंग पावर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करने वाली कौन सी रे होती है, तो गामा रे होती है, और नंबर दो पे बीटा रे होती है, और नंबर थ्री पे ये होती है अल्फा रे होती है। तो आपको समझ में आ गया कि क्यों मतलब इमेजिंग सेंटर में हम लोगों को बाहर रहने की सलाह दी जाती है, क्यों दूर रहने की सलाह दी जाती है, इसी कारण से क्योंकि आपको रेडियो एक्टिव किरण का आघात आपको न लग सके, यदि लग जाएगा तो आप बीमार हो सकते हैं, आपका जीन म्यूटेंट हो जाएगा, आप कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि मैं मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, इसका भी कारण आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे मैं आपको आयोनाइजिंग पावर के बारे में भी बताऊंगा। तो अब देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजिंग पावर। अब आयोनाइजिंग पावर क्या होता है कि जब जो रे किसी चीज़ पे पड़ती है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को कितना आयोनाइज कर देता है, यानी कि उसको जो है उसको आयंस में ब्रेक करने की क्षमता, ठीक है। तो आयंस में ब्रेक करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है अल्फा पार्टिकल का, दूसरे नंबर पे है बीटा पार्टिकल, तीसरे नंबर पे है गामा पार्टिकल। आपको एग्जामिनेशन में यही आपको सजाने के लिए ट्रेंड पूछेगा कि आयोनाइजिंग पावर को बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए। मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर जो होता है, नंबर वन देने का मतलब हुआ सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल का, दूसरे नंबर पर क्या होता है बीटा पार्टिकल, तीसरा होता है इसका गामा पार्टिकल का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा पाई, आप लोग कन्फ्यूज ना करिएगा, नंबर वन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, इस बात का आपको ख्याल रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इसमें होता है और सबसे कम इसमें होता है, बीच वाला तो आप समझ ही रहे हैं। अब फ्लोरोसेंस की बात होती है जिसको हम बोलते हैं चमक, ठीक है। फ्लोरोसेंस ये तीनों में शो करता है, देखिए ये भी अल्फा पार्टिकल भी चमक दिखाता है, ये भी चमक दिखाता है और ये भी चमक दिखाता है। ये चमक क्या होता है मैं आपको यहाँ देखिए डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन डिफ्लेक्ट करता है कौन डिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो देखिए जो डिफ्लेक्ट नहीं करता है सीधी से सीधी रे चली जाती है वो होती है गामा रे, और डिफ्लेक्ट करता है दो पार्टिकल, एक अल्फा और बीटा पार्टिकल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कौन डिफ्लेक्ट करता है कौन डिफ्लेक्ट नहीं करता है। आप लोग समझ जाएं, क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछे आप लोग जवाब दे सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि कौन डिफ्लेक्ट करता है अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, और गामा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ जो मतलब मैं फ्लोरोसेंस की बात, मैंने साइंटिलेशन चमक पैदा होती है, देखिए यहाँ पे पड़ता है तो चमक पैदा होती है, यहाँ पे पड़ता है तो चमक पैदा होती है, और यहाँ पे पड़ता है चमक, और इसी के एक्सपेरिमेंट को इसी को दिमाग में रख करके रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट निकाला था। रदरफोर्ड ने कैसे पता लगाया था इसी का ध्यान रख करके, ठीक है, कि बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को फाइंड करने के लिए रदरफोर्ड ने इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था, जो मैं इसको आगे के क्लास में आपको बताऊंगा। अभी आप लोग समझ गए कि क्या होता है साइंटिलेशन, साइंटिलेशन मतलब फ्लोरोसेंट तीनों चमक पैदा करता है अल्फा बीटा और गामा, और डिफ्लेक्शन कौन करता है मैग्नेटिक फील्ड में, बीटा और अल्फा दोनों डिफ्लेक्शन करता है, और कौन डिफ्लेक्ट नहीं करता अविचलित कौन रहता है गामा रे जो होता है अविचलित होता है और सीधे सीधे पार कर जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड, देखिए अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होता है, बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होता है, और गामा डिफ्लेक्टेड नहीं करता है, नो डिफ्लेक्शन शो, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट में हम दसवां है इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे कौन इफेक्ट दिखाता है, तीनों पार्टिकल जो होते हैं फोटो फिल्म जो मतलब जो हम लोग 15 साल पहले जो फोटोग्राफिक प्लेट जो होती थी नेगेटिव वाली उस प्लेट की बात हो रही है, तो उस पर तीनों पे कौन इफेक्ट दिखाता है अल्फा बीटा और गामा, तीनों जो है अपना शो करता है, तीनों के कारण से जो होता है हमारे फोटोग्राफिक प्लेट खराब हो सकते हैं उसका। तो ये याद रखना है कि इफेक्ट ऑन फोटो प्लेट पे तीनों शो करते हैं अल्फा पार्टिकल गामा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बीमा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, ठीक है। मैंने आपको बहुत फास्टली इन सब चीज़ों को समझाया है, यदि मैं आपको फास्टली ना पढ़ाऊँ तो ये चैप्टर कभी ख़त्म नहीं होगा, आप लोग बस ऐसे ही रह जाइएगा। इसलिए कोई आपको बताएगा कि मैं आपको चूरन चटनी चटा दे ऐसे सोचिएगा कि मेरा काम निकल जाए, कभी नहीं हो सकता है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है और इस तरह आपको इस तरह से कॉन्टेंट्स आपको देना पड़ेगा तभी जाके आपका क्लियर हो सकेगा, इतना आसान नहीं है ये चीज़, ठीक है ना। आप लोग सोचते हैं कि कहीं से कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया निकाल लिया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, इसको पढ़ने के लिए पूरे कॉन्टेंट्स को समझना होगा तभी जा करके इसमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे और क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। KVS PRT नहीं अदर और भी टीचर्स के एग्जाम्स आएंगे वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, SSC के एग्जाम में हेल्पफुल होगा, इसलिए कह रहे हैं कि मैं आप लोग इसको चीज़ों को ध्यान से पढ़ें कॉन्टेंट को समझें और सीरियस बन के पढ़ें, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ लें इस तरह से जो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक अच्छा एडुकेटर का क्या काम होता है कि पढ़ाना होता है कि वो चीज़ों को पढ़ाए जो आपको पेपर में आ सकता है, तो उनको एक अनुभव होता है, तो मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं पढ़ाने के लिए तो बहुत चीज़ भी रेडियो एक्टिव तो MSc लेवल की चीज़ है PhD लेवल की चीज़ है, तो वो चीज़ों को मैं तो पढ़ा नहीं सकता, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपको पेपर में आएंगे,
तो एक अच्छा एडुकेटर का ही काम होता है। आप लोगों को चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, समझें, फिर मैं नेक्स्ट अभी अभी लेक्चर ले रहा हूँ इसके आगे का, आप लोग इसको नोट करें। आशा है कि बच्चों आप लोग मज़ा ले रहे हैं इस लेसन का। अब आप लोगों को यकीन हो गया कि हमारी पढ़ाई कितनी डेप्थ तक जा रही है, ठीक है, और हम लोग इस बार टीचर बनकर ही रहेंगे, ठीक है। इस लेसन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और मेरे चैनल पर आकर के पढ़ेंगे तो आपको पक्का है कि आपको अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी रेडियो एक्टिविटी पर। यह है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस पर भी क्वेश्चंस आता है। किस तरह से क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, देखिए कि कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यह ऊपर में जो लिखा हुआ है यह एटॉमिक मास है और यह नीचे में लिखा हुआ होता है वो एटॉमिक नंबर है। जब इस पर अल्फ़ा डिके कराया जाता है, यानी कि अल्फ़ा से अटैक कराया जाता है, तो क्या होता है इसमें? अल्फ़ा डिके कहने का मतलब जिसमें से अल्फ़ा किरण इससे निकले, ठीक है। अल्फ़ा किरण डिके का मतलब होता है अल्फ़ा किरण का निकलना। तो जब निकलेगा तो क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनेगा और न्यू सब्सटेंस वाई होगा, जिसका जो होगा एटॉमिक वेट जो होगा वो 4 यूनिट कम होगा, जबकि मतलब ये जो होगा उसका जेड जो होगा मतलब परमाणु संख्या जो होगी वो 2 यूनिट कम होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए फॉर क्या है, यह है आपका एटॉमिक वेट और यह जो है आपका एटॉमिक नंबर, आपको अब याद रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या समझाने वाला हूँ, तो देखिए अल्फ़ा डिके से क्या होता है कि एटॉमिक वेट 4 यूनिट से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर जो होता है 2 यूनिट से कम हो जाता है और सब्सटेंस जो होता है बदल जाता है, एक्स की जगह वाई हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको कई सारे ऑप्शंस आपको देगा। कभी क्या होगा कि वाई की जगह एक्स ही डाल देगा गलती में, आप लोग जल्दीबाजी में ऐसा गलती नहीं करेंगे क्योंकि हमने बताया कि सब्सटेंस भी बदल जाता है, एक्स की जगह वाई हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला। दूसरा जो है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, नीचे में एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यूरेनियम हीरोनियम 238 और 92 है, इस पर अल्फ़ा डिके होगा तो क्या बनेगा? देखिए तो अल्फ़ा डिके होगा तो 4 यूनिट क्या हो जाएगा, यह कम हो जाएगा, 238 में से 4 घटाएंगे देखिए 234, और ये नीचे वाला क्या होगा 2 यूनिट कम हो जाएगा, तो 92 में से 2 माइनस करेंगे तो 90, और एक नया सब्सटेंस बनेगा दैट इज़ थोरियम, तो यह बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बीटा डिके के बारे में, पूछा जाएगा कि बीटा डिके से क्या हो सकता है। तो देखिए बीटा डिके से जैसे फिर ऊपर में एटॉमिक वेट होता है और नीचे में क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, तो जब बीटा डिके से होता है तो इसमें क्या होता है एटॉमिक वेट में कोई चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज इन एटॉमिक वेट, सिर्फ चेंज होता है तो हमारा एटॉमिक नंबर में, और एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है, इसको आप लोग ख्याल रखेंगे। और देखिए दूसरा तीसरा क्या ख्याल रखेंगे, यहाँ भी जो है आपका क्या है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये एक्स है और ये वाई है। और क्या चीज़ याद रख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, देखिए एटॉमिक वेट जो है, यह जो है एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक वेट, ठीक, और यहाँ भी एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक वेट में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, सिर्फ जो चेंज आया है एटॉमिक नंबर में चेंज आया, कितना यूनिट से 1 यूनिट से, ठीक है। अब बात रही गामा रे की, तो गामा रे में देखिए क्या होता है, गामा रे में कोई चेंज नहीं आता है, गामा रे के डिके होने से क्या होता है कोई चेंज नहीं होता, सब्सटेंस वही रहता है, एक्स का एक्स रहता है, एटॉमिक वेट भी चेंज नहीं होता है और जेड भी चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होता। तो इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पक्का है पूछा जाएगा, ठीक है। इसको जो कॉन्सेप्ट वाले, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना काफ़ी आसान हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऑप्शन देना आसान हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो सेटर होता है उसके दिमाग में यह रहता है कि हमें 4 ऑप्शन देने हैं, तो 4 ऑप्शन किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो उसी तरह से क्रिएट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा डिके होगा तो क्या यहाँ 6 कर देगा, कुछ भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट कर करके आपको यह छकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप लोग छकेंगे नहीं, आप लोग क्या करेंगे उसको मज़ा चखाएंगे और कहेंगे कि देखिए कि मैंने आपका जवाब दे दिया, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए अब आगे हम लोग अब तक जो पढ़ रहे थे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में, जो भी खासा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इसको कंडक्ट करने वाले साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, आप लोग रदरफोर्ड का नाम पहले भी सुने होंगे, जिन्होंने मतलब गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। तो यही थे साइंटिस्ट रदरफोर्ड जिन्होंने पहली बार जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया था, खोजा था। इसने क्या किया था, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदल दिया, देखिए भारी चमत्कार हो गया कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदल देना, इस तरह का चमत्कार आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का बहुत खतरनाक उदाहरण है। फिर आगे जो है ये इस तरह से इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत हो गई,
ठीक है। और जब शुरुआत हो गई तो इस पर जबरदस्त काम करने वाले सब साइंटिस्ट थे, वो थे जूलियट क्यूरी और आयरीन क्यूरी। ये यही क्यूरी है, आपको क्यूरी पहले नाम याद होगा, क्यूरी क्यूरी सुने होंगे, तो ये क्यूरी है, यही मैडम क्यूरी की, ये आयरीन क्यूरी जो थी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी की बेटी थी, ठीक है ना। और यह जो थे जूलियट क्यूरी दामाद थे, दामाद समझते हैं ना, इनका हस्बैंड, ठीक है ना। तो यही थे। अब ये देखिए, इस दोनों को इस कामों के प्रयासों के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1935 में, ठीक। तो देखिए कहाँ आपने पढ़ा था, वहाँ हस्बैंड वाइफ की जोड़ी को भी मिला था और यहाँ भी हस्बैंड वाइफ की जोड़ी को मिला था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, इसलिए यह जो है ना पेयरिंग वाली जो क्वेश्चन, पेयर जो होते हैं हस्बैंड वाइफ को जो नोबेल प्राइज मिला, वो कई बार एग्जाम में पूछा किसको किसके साथ दिया गया, ठीक है ना। तो क्यूरी का एकदम नाम, क्यूरी परिवार का नाम सबसे पहले आता है। तो क्यूरी पहले भी सुना था, हस्बैंड वाइफ को मिला था और यहाँ भी देखिए हस्बैंड वाइफ को मिला था। और ये आयरन क्यूरी थी, वही मैडम क्यूरी और पी क्यूरी की बेटी थी। अब हम लोग नेक्स्ट में जो हम लोग अब पढ़ेंगे, इसके आगे जो पढ़ेंगे वो हम लोग फिजन और फ्यूजन पढ़ेंगे। देखिए फिजन और फ्यूजन से भी क्वेश्चन आते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, जहाँ हम लोग उसका एग्जाम्पल है एटॉमिक बम बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, उसमें किस तरह से हम लोग ब्रीडर्स रिएक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ेंगे कि उसमें क्या कहाँ कहाँ हमारे इंडिया में इस तरह से न्यूक्लियर ब्रीडर्स हैं, रिएक्टर्स हैं, किस तरह से एनर्जी का मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। इसके क्या हानि हुए हैं, कहाँ कहाँ एक्सप्लोजन हुआ है, जो दुर्घटना हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब सभी क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चंस को, इस कॉन्सेप्ट्स को नोट कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी में, देखिए वो आता है कार्बन डेटिंग और रेडियो एक्टिव डेटिंग, इसमें से भी क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या रहता है, ये कार्बन डेटिंग के द्वारा जिसको इसको खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे विलियम लिब्बी, ठीक है, इसमें क्या कहता है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं जो है C6H14 आइसोटोप, इसका यूज़ करके एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का हम लोग क्या कर सकते हैं, एज पता कर सकते हैं, यानी लकड़ी की एज हम मालूम कर सकते हैं। वुड कोई बहुत वर्षों से लकड़ी पड़ा हुआ है वुड, और उसकी कितने वर्षों से पड़ा हुआ, उसकी आयु क्या है, ठीक है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, कार्बन 14 रेडियो एक्टिविटी से हम पता कर सकते हैं। या बहुत दिनों से कोई पुराना कोई फॉसिल पड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई किसी व्यक्ति का मतलब हड्डी कंकाल तंत्र पड़ा हुआ है, तो हमको ये पता कर सकते हैं कि उसकी एक्चुअल उम्र कितनी है, कितने साल पहले इसको दबाया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का मतलब जो है हम लोग कार्बन डेटिंग से पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है ना, कि मतलब क्या होता है, किसी मैंने बता दिया कि वुड हो गया, हड्डी हो गया, ये सब ऑर्गेनिक कंटेनिंग मटेरियल्स होता है, उसका एज पता किया जा सकता है। और रेडियो एक्टिविटिंग से होता है, इसमें क्या होता है कि एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट्स दैट इज एज ऑफ रॉक्स, यदि पत्थरों की आयु मालूम है, क्वेश्चन में इस तरह से पूछा ही रहता है कि पत्थरों की आयु पता करने के लिए किस डेटिंग का उपयोग किया जाता है, तो बस कुछ नहीं करना है, रेडियो एक्टिव डेटिंग हमको यूज करना है, कार्बन डेटिंग भूल करके नहीं मारेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया कार्बन डेटिंग क्या होता है, रेडियो एक्टिव डेटिंग का, पत्थरों की आयु प्राप्त करने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज होता है, ठीक है। उसमें कुछ अलग तरह के आइसोटोप्स होते हैं, उस आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियर फिजन विखंडन, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बम एटॉमिक बम का किस तरह से मतलब ये होता है, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या यूज़ होता है, हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए तो क्या होता है कि न्यूक्लियर फिजन जिसमें विखंडन क्या होता है, इसमें एक जो न्यूक्लियस है और इस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जाए तो दो आइडेंटिकल इक्वल फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लाई का फॉर्मेशन होता है और टू और थ्री न्यूट्रॉन्स और एनर्जी रिलीज होता है। इसमें पूछेगा सर, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए इसमें से न्यूक्लियर फ्यूजन में पूछा जा सकता है क्या होता है कि फ्यूजन का मतलब टूटना, पहले यह समझना है कि इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस जो है टूट करके दो आइडेंटिकल इक्वल न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है। और पूछेगा कितनी न्यूट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन निकलता है, तो इसमें कभी कभी ऑप्शन रहता है टू, कभी थ्री, कभी टू और थ्री रहता है, तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे टू और थ्री न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और एनर्जी निकलता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए जो एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर फ्यूजन का है, देखिए यह यूरेनियम 235-92 का यह हमारा जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उस पर देखिए न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया गया, तो सबसे पहले देखिए यह यूरेनियम 236-92 का जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बना, अब जो है इसका डिसइंटीग्रेशन होगा और दो तत्व बनेंगे बेरियम और क्रिप्टन, मैंने यहाँ लिख दिया है बेरियम और क्रिप्टन, बस आपको ये सब नंबर यही नहीं याद रखना है कितना, बस आपको याद रखना है कि बेरियम और क्रिप्टन, ठीक है ना। तो बेरियम को BS से लिखते हैं, क्रिप्टन को KR से लिखते हैं, तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं और 200 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलती है।
तो ये याद हम लोगों को रखना है कि ये चीज़ याद रखना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा मेंशन कर देना चाहता हूँ, वो कभी नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब रिएक्शन होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बेरियम और क्रिप्टन ही टूटेगा। इस तरह से कि बहुत सारे पेयर्स मतलब देखे गए हैं बनते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के तत्वों के पेयर्स बनते हैं, लेकिन मोर पॉपुलर जो पेयर है उस पेयर का नाम है बेरियम और क्रिप्टन। आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा दो पेयर बनता है, तो हमको टिक आउट करना है बेरियम और क्रिप्टन, ठीक है। और भी किसी दो पेयर्स के बारे में जो नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको जानकारी के व्यू से बता दिया कि और भी पेयर्स बनते हैं, ठीक है, लेकिन जो पेपर में पूछे जाते हैं वह बेरियम और क्रिप्टन ही पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया, फिर मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूज़न बताया, न्यूक्लियर फ्यूज़न बताऊँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से भी ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चंस क्या होता है, मैंने आपको न्यूक्लियर फ्यूजन इसके बारे में समझाया क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। जब एक न्यूक्लियस से दो सिमिलर मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियाई टूटते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, और समथिंग एनर्जी निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन और कंट्रोल चेन रिएक्शन। देखिए जैसे मैंने कि आपको बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत मात्रा में एनर्जी निकलती है, बहुत ही मात्रा में, यदि इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है, उस एनर्जी से हम लोग यूज कर सकते हैं, उसकी यूटिलिटी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, तो इसे महाविनाश हो जा सकता है और पूरा का पूरा दुनिया तबाह हो सकता है, जो आजकल देख रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी एक कंट्री दूसरे को दे रहा है, और इसके पहले ये घटना घट चुकी है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन, जिसका एग्जाम्पल है एटम बॉम्ब। देखिए जब एटम बॉम्ब की बात आएगी तो यूएसए और जापान की बात आएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब छिड़ा था, ठीक है ना, तो उसमें जो है यूएसए ने जापान पे जो बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी, इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दो शहरों पे बम गिराया गया था, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उस बम का नाम था लिटिल बॉय, कोडेड नेम था, ठीक है, उस बम का नाम था कोडेड नेम लिटिल बॉय, जो 4400 kg वेट थी उसकी। और उसके बाद जो थी नागासाकी, 9 अगस्त उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को यह गिराया गया, उसका कोडेड नेम था फैटमैन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है लिटिल बॉय और फैटमैन क्या था, और ये 4670 kg का था, ये थोड़ा सा मोटा उभरा हुआ था, पेट जैसा तोंदू टाइप का, इस तरह से इसका नाम पड़ा है फैटमैन, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि लिटिल बॉय और फैटमैन क्या थे, कि हिरोशिमा और नागासाकी पर ये कोडेड बम गिराए गए थे, जो कि अमेरिका ने गिराया था, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई थी। तो यहाँ से समझ में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जब हम इस न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल कर ले तो मेरे लिए बहुत ही फायदा। आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी की जो महामारी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कमी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी खत्म हो जाएगी इसको किस तरह से कंट्रोल कर करके। देखिए इसके लिए क्या होता है, देखिए सबसे पहले रेडियो एक्टिव मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि हमारे इंडिया में यूज होता है यूरेनियम 235, ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा आता है नंबर या 235। उसके बाद देखिए मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर का क्या काम होता है कि जैसे मैंने बताया कि जब चेन रिएक्शन जब शुरू हो जाएगा, चेन रिएक्शन को जब कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर कुछ डिवाइसेज भी होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर सेंटर में। तो क्या सब डिवाइसेज होते हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए डिवाइसेज होता है मॉडरेटर, मॉडरेटर का क्या काम होता है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ इमिटेड न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन्स निकलता है, ठीक है, उस न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन्स निकलता है उस न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करता है, कि देखिए यही न्यूट्रॉन्स फिर क्या होता है, निकल करके फिर उस पर अटैक करते हैं और फिर वहाँ से एनर्जी निकलते हैं। तो इस तरह से यदि अनकंट्रोल्ड वे में निकलने लगा, इस तरह से न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं और न्यूट्रॉन्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो यही तो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, जो लोगों को मतलब नुकसान पहुंचाते, इतने सारे एनर्जी निकलते हैं और वो चेन रिएक्शन रुकने का नाम ही नहीं लेता और पूरा का पूरा जो है ना शहर तबाह हो जाता है। तो यही कारण है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, मैंने आपको बताया कि मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है, जो कि न्यूट्रॉन के स्पीड को कम कर, जब न्यूट्रॉन के स्पीड को कम कर दिया जाए तो क्या होगा कि बम्बार्डमेंट नहीं होगा उस एटम पे, ठीक है, स्लो हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी धीमी हो जाएगी। तो देखिए उसके लिए कौन से चीज़ का यूज़ करते हैं मॉडरेटर, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये ग्रेफाइट रॉड का यूज होता है, हैवी वाटर जिसको फॉर्मूला होता है D2O, ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडरेटर कहा जाता है, ठीक है, और बेरिलियम, इसका नाम याद रखेंगे आप लोग मॉडरेटर, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को
पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है कूलेंट। कूलेंट का क्या काम होता है, रिमूव द ट्रेमेंडस हीट, हीट को कम करना। जैसा कि मैंने बताया कि हीट रहेगा तो एनर्जी क्रिएट होगा तो फिर रिएक्शन मतलब चेन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी कंट्रोल करने की बात होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं वाटर, स्टीम, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए ये कूलेंट से क्या होता है, जो इससे जो वाटर का जब ये यूज़ करते हैं तो स्टीम निकलता है, उस स्टीम का हम लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। उस स्टीम में हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, जो हाई काइनेटिक एनर्जी होता है तो हमारा टरबाइन को क्या करता है, रोटेट करता है। और जब जानते हैं कि टरबाइन रोटेट करता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती भी है, ठीक है। तो देखिए टरबाइन को जब रोटेट किया जाता है तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई तो क्या हो गया, हमारी समस्या दूर हो गई, ठीक है। तो यह मतलब ये सब चीज़ अब हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में भी क्या है इस तरह की फैसिलिटी। हाँ जी हाँ, है फैसिलिटी, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे न्यूक्लियर सेंटर हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। किन किन जगहों में उनसे भी क्वेश्चन आता है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। चलिए इसको आप लोग देखिए, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने कूलेंट तक बता दिया। अब देखिए इसमें एक और भी एक है कि कंट्रोल रॉड्स, ठीक है ना। ये कंट्रोल रॉड्स का क्या काम होता है कि टू स्टार्ट एंड स्टॉप रिएक्शन, ये रिएक्शन को स्टार्ट करने और बंद करने का इसका काम होता है। इसके लिए इसको कंट्रोल करने के लिए जो रॉड होते हैं वो कैडमियम और बोरन की छड़ें होती है, कैडमियम एंड बोरन रॉड्स। तो आपको इसके बारे में पता चल गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम इस बात को एकदम याद रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ों का क्या क्या मैंने आपको मेंशन किया है, ठीक है, इसके सारे एग्जांपल्स यहाँ से क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। अब देखिए ये जो मैंने आपको लिखा भारत में नाभिकीय संयंत्र, ये जीके में भी आ सकता है और आपको साइंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए कि देखिए हमारे भारत में 6 जगहों पर मतलब भारत में नाभिकीय संयंत्र है। किन किन जगहों पर देखिए, कोडाईकनाल तमिलनाडु, कल्पक्कम तमिलनाडु, काकड़ापाड़ा गुजरात, कैगा कर्नाटका, तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, इन जगहों में नाभिकीय संयंत्र, इन सभी के नाम याद रखेंगे, इनसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ लिए, अभी छोटा सा टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूजन, इस पर भी क्वेश्चन आता है। हिंदी में हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को मतलब जो है 10^6 केल्विन टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर दिया जाता है जिससे वो हिंजर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो घटना घटती है ये सन और स्टार्स पे होती है। देखिए होता क्या है कि 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, उसको आपको मिक्स करना है। तो जब उसको आप मिक्स करेंगे तो दो न्यूक्लियाई को आपस में मिलाने से आपको जानते हैं कि दोनों सेम एटम्स है, उसके न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो सटेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उनको ज़बरदस्ती चिपकाना होगा, ठीक है। ज़बरदस्ती चिपकाने के लिए आपको हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो इतना एनर्जी हम लोग नहीं जनरेट कर सकते जो कि ये सन पे ही या स्टार्स पे ही पॉसिबल हो सकता है। तो 10^6 केल्विन टेम्परेचर एनर्जी मतलब इतना लगता है जिससे हीलियम न्यूक्लियस बनता है। लेकिन फिर भी जो है मतलब कुछ लोग मतलब इसका हाइड्रोजन बम बना चुके हैं, ठीक है, ले एनर्जी के लिए दे करके, लेकिन हम देखते हैं उतना भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है जैसा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कंट्री ये चाइना और ये यूएसए दावा करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन बम, तो इसको हम लोग थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है 1000 टाइम्स पावरफुल देन एटम बम, 1000 गुना खतरनाक होता है एटम बम से। कुछ कंट्रीज जो दावा करते हैं इन्होंने इसको डेवलप कर दिया है, यूएसए, रसिया, यूके, चाइना, फ्रांस, इंडिया भी दावा करता है कि मैंने, और नॉर्थ कोरिया हाल ही फिलहाल ऐसा एक्सपेरिमेंट कर चुका है और ये भी दावा करता है कि इसने भी हाइड्रोजन बम का आविष्कार कर लिया है। तो ये बहुत ही खतरनाक बम है, ठीक है, ये एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट्स बात हम लोग नोट कर लेते हैं कि इंडिया ने एटॉमिक टेस्ट किया था, दो बार टेस्ट किया था, 1974 में और 1998 में। 1974 में इंदिरा गांधी थी, है ना, इंदिरा गांधी के समय ये एटॉमिक टेस्ट पोखरण में हुआ था, और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसका टेस्ट हुआ था। तो दो बार ये टेस्ट हो चुका है। अब उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, चेर्नोबाइल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मतलब एक तरह का न्यूक्लियर ही एक्सीडेंट था, इसमें 2,00,000 लोगों की जानें चली गई थी। ये कहाँ हुआ था, यूएसएसआर में हुआ था, ये यूक्रेनियन रिपब्लिक का हिस्सा था, यूक्रेनियन गणराज्य में ये पड़ता है चेर्नोबाइल जगह, जहाँ वहाँ पर रिसाव होने के कारण से, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा जो किरण जो है रिसाव हो गया, वहाँ से रिसाव होने के लाखों लोगों की मौत हो गई थी, चेर्नोबाइल न्यूक्लियर प्लांट में एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना। ये बहुत ही इतिहास में एक दुखद घटना है,
इसको याद रखेंगे हम लोग, इसमें 2 लाख लोगों की मौत हो गई। तो देखिए तो कितना हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी, और जब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जो साइंस इतना डेवलप कर चुका है तो उससे फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। यदि उसका फ़ायदा कि लिया जाए तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे टरबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन जब इसका हम लोग दुरुपयोग करेंगे तो हमारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा भी है और बुरा भी है, और यदि हम सही रूप से अपने दिमाग का प्रयोग करें तो अच्छा। आए दिन देखिए हमेशा जो धमकी मिलता है हम लोगों को बाहर के देशों से कि बम गिरा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ठीक है, तो ये डर बना रहता है। तो ये साइंस जो है आविष्कार भी है और वरदान भी है और अभिशाप भी है, तो इसको लेकर के हम लोग सोच करके चलेंगे। इसका सही यूटिलिटी होनी चाहिए, इसीलिए यह पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग आप इसको पढ़ा चुके हैं पूरा डिटेल में, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कहीं भी दुनिया के किसी भी बुक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेरा दावा है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन एस्केप नहीं करेगा। मैंने सारे कंटेंट्स को इस तरह से डाल दिया है कि आपके लेवल का क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, नहीं मिस कर सकता, ये मेरा दावा है। तब तक गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।